दोस्तों, आइए आज हम जंगल की दुनिया की एक काल्पनिक कहानी सुनते हैं। इस कहानी के जरिए हम हमारे प्राइवेट सेक्टर में क्या चक्कर चल रहा है इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जंगल में टाइगर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें वर्कर्स चींटियां थी जो समय से आती जाती थी और फैक्ट्री का सारा काम करती थी। टाइगर का बिजनेस बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। एक दिन टाइगर ने सोचा कि ये चींटियाँ इतने सुंदर तरीके से काम कर रही है, अगर मैं इनको किसी एक्सपर्ट के अंडर में रख दूं तो बेहतर तरीके से काम कर सकती है। ये ख्याल मन में आते ही टाइगर ने एक मधुमक्खी को प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट कर दिया। मधुमक्खी को फैक्ट्री के काम का बहुत एक्सपीरियंस था और वह रिपोर्ट लिखने में बहुत एक्सपर्ट थी। मधुमक्खी ने टाइगर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटियों का वर्क शेड्यूल बनाना है, फिर सारा रिकॉर्ड प्रॉपरली रखने के लिए मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए होगा। टाइगर ने खरगोश को सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया। टाइगर को मधुमक्खी का काम पसंद आ रहा था। उसने कहा कि चींटियों का अब तक कंप्लीट हुए सारे कामों की रिपोर्ट तैयार करो और जो प्रोग्रेस हुई है उसको ग्राफ में शो करो। मधुमक्खी ने कहा ठीक है, मगर इसके लिए मुझे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर चाहिए होगा। इस सब के लिए टाइगर ने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया और बिल्ली को वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट कर दिया। अब चींटियाँ बजाय काम के रिपोर्ट पर फोकस करने लगी, जिससे उनका सारा काम पिछड़ता चला गया। फाइनली प्रोडक्शन कम हो गया। टाइगर ने सोचा एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखा जाए जो मधुमक्खी की एडवाइस पर ओपिनियन दे सके। ऐसा सोचकर उसने बंदर को टेक्निकल इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर दिया। अब चींटियों को जो भी काम दिया जाता वह उसको पूरा सामर्थ्य के साथ करती, मगर काम कभी पूरा नहीं हो पाता तो वह विवश होकर उस काम को अधूरा छोड़कर घर आ जाती। टाइगर को नुकसान होने लगा तो वह अधीर हो उठा। उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए अपॉइंट कर दिया। 3 महीने बाद उल्लू ने टाइगर को रिपोर्ट सौंप दी। उसने बताया कि फैक्ट्री में वर्कर्स की संख्या ज्यादा है, लिहाजा छटनी होगी। अब आप ही बताइए किसको निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है, चींटियों को ही निकाला जाएगा। यही सारी दुनिया के हर सेक्टर में चल रहा है। जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं वो परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, और जो मेहनत से कोसों दूर है वो लोग मजे में हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं।